इंडिया की एकता में कांग्रेस बाधा, यूपी और बिहार में टूट की आशंका, नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट। देश में पिछले दो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, लेकिन 2024 में नीतीश कुमार की कोशिशों से बीजेपी की राहें कहीं न कहीं कठिन हो गई है। देखें तो नीतीश कुमार ने असंभव से दिख रहे काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया और उसे कुछ हद तक संभव भी कर दिया। वैसे जब नीतीश कुमार विपक्ष को लीड कर रहे थे तब तक सब कुछ सही रहा, लेकिन आगे चलकर विपक्षी गठबंधन इंडिया बन गया और कांग्रेस ने इसको लीड करना शुरू कर दिया। इसके बाद से ही विपक्षी एकता में खटपट की सुगबुगाहट शुरू हो गई। वैसे भी विपक्ष में कई ऐसे दल थे जिन्हें कांग्रेस से गठबंधन करने में परहेज था, पर नीतीश कुमार ने सबको मनाया। लेकिन इंडिया गठबंधन में एक बार फिर कांग्रेस की वजह से कई दलों के नाराज होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आइए इस वीडियो में कांग्रेस के उन पैतरों और दावों का जिक्र करेंगे जिससे इंडिया की एकता खतरे में है। वहीं नीतीश कुमार के धर्म संकट की भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन्होंने कमजोर होती कांग्रेस को साथ रखकर विपक्षी एकता पर जोर दिया, लेकिन आज स्थिति यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सीटों को लेकर ऐसी डिमांड कर रही है जिससे विपक्षी एकता का खतरा दिख रहा है। सबसे पहले बात बिहार की करें तो यहां कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि पार्टी 9 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जो कि महागठबंधन में शामिल राजद और जदयू की ताकत को देखते हुए पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। वहीं अब तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी है जिससे सपा और जदयू में नाराजगी हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस का कहना है कि पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि फूलपुर से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अंतिम फैसला केंद्रीय टीम करेगी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के तरफ से ऐसा बयान विपक्ष के कई दलों को नागवार गुजर सकता है। देखे तो उत्तर प्रदेश में सपा बड़ी ताकत है, ऐसे में कांग्रेस का सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने का जिक्र अखिलेश यादव को चुभ सकता है। वहीं बात फूलपुर की करे तो वहां से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की खूब चर्चा है। ऐसे में बिहार में सीटों की बड़ी डिमांड के साथ साथ फूलपुर पर भी कांग्रेस का दावा ठोकना जदयू को खटक सकता है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भी धर्म संकट के समान है। देखे तो विपक्ष में कई ऐसे दल थे जिसे कांग्रेस से तकलीफ थी, लेकिन नीतीश कुमार का यह मानना था कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करके बीजेपी को हराने का सपना पूरा नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सभी को मनाया। वैसे भी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, इसलिए कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने पर विपक्ष को भी नुकसान हो सकता था, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार की आवाज पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बड़े बड़े विपक्ष नेता एकजुट हो गए। लेकिन कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस के तेवर बदलने लगे और तब तो पार्टी बड़े बड़े दावे और मांग कर रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार ने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कोई भी कड़ा फैसला लिया तो इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस सीटों को लेकर बिहार सहित कई राज्यों में जैसे दावा कर रही है वह भी पूरा होना आसान नहीं दिख रहा है। इस तरह कांग्रेस के कारण कहीं ना कहीं विपक्षी एकता में फिर से मतभेद होता दिख रहा है, जिससे नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट की स्थिति नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार इस परिस्थिति में क्या फॉर्मूला निकालते हैं।